नर्मदे है दोस्तों, अद्भुत गौ माता। कुछ महीने पहले मिसरोद के दंपत्ति के साथ में इस गौ माता ने पूरी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण की है। दोस्तों ये एक अद्भुत गौ माता है और हम कई बार सुनते भी हैं कि जो बड़े कान वाली गौ माता होती है ये खुद अपने आप में अद्भुत होती है, क्योंकि ये सबसे शुरुआत वाली शुद्ध प्योर गाय होती है। ये जर्सी मुर्गा या मतलब जो गाय होती है उसमें सबसे अच्छी गाय मानी जाती है, शुद्ध गाय है ये। गौ माता ने दोस्तों पैदल परिक्रमा पूरी की हुई है, नर्मदा परिक्रमा। सोचिए 4000 किलोमीटर मतलब 4200 किलोमीटर के आसपास की नर्मदा परिक्रमा गौ माता ने दंपत्ति के साथ में पूरी की हुई है, पूरी परिक्रमा में साथ गई है। दोस्तों गौ माता ने बहुत लोगों को तृप्त किया हुआ है। गौ माता ने टिकैया से ओंकारेश्वर से गुजरात, रत्ना सागर समुद्र पार से नेमावर से अमरकंटक से जबलपुर से नर्मदापुरम जो कि हमारे यहाँ आए हुए थे, मतलब गौर कॉलोनी सरस्वती नगर में अपने चरणों से पूरे कॉलोनी को तृप्त किया, आशीर्वाद दिया, अपने दर्शन दिए, वहाँ से तिघरिया में अपनी यात्रा को समाप्त किया है। माँ नर्मदा मैया के दर्शन मात्र से ही तृप्त हो जाती है लोग, तो ऐसे में गौ माता जिसने पूरी नर्मदा परिक्रमा की हो उनके दर्शन, और उनके साथ में एक भैया जो कि साथ में रहे, गौ माता फल काली चाय और शुद्ध भोजन हरा चारा और बहुत भव्य स्वागत से अपनी यात्रा को पूरा किया हुआ है। गौ माता अद्भुत ही गौ माता है दोस्तों। इन गौ माता के दर्शन करने के लिए आप ये जो गौर बाबू जी आ रहे हैं ये मिसरोद डोलरिया के पास मिसरोद में जाके आप दर्शन कर सकते हैं और इस गौ माता के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गौ माता आप देख रहे हैं ये कॉलोनी से अब विदा लेते हुए अपने हीरत को पूरा करने के लिए धीरे धीरे तिघरिया घाट पे जाने वाले हैं। दोस्तों इस गौ माता के दर्शन से इतना आनंद आया, मतलब कुछ अलग ही था, कुछ अलग ही ऐसी गौ माता देखी, अलग ही गौ माता जो कि परिवार के साथ ही चल रही है। सभी कॉलोनी वाले तो दर्शन करने के लिए आए और रात नहीं बिताया और फिर सुबह होते ही अपने यात्रा पे निकल दी। जय हो गौ माता, दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय नर्मदे मैया, नर्मदे हर जिंदगी भर। दोस्तों इसलिए गौ माता को सबसे महान और पूजनीय माना गया है कि देखिए सिर्फ 4 से 5 महीने की गौ माता छोटी बछिया को लेकर निकले ये दंपत्ति, और आज 8 से 9 महीने की हो चुकी है क्योंकि 4 से 5 महीने की यात्रा इसने पूर्ण की हुई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदे हर, जय गौ माता।